से हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। जैसे कि अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था, इस टेंपल के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था, इसीलिए फ़ोन लेकर मैं नहीं गया था, इसीलिए आप लोगों को अंदर दर्शन नहीं करा पाऊँगा। लेकिन मंदिर के जो बाहर का दृश्य है आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ बाहर का दृश्य, ये देख सकते हैं। ये हमारे निहाल सिंह हैं, ये भी फोन लग रहा है। दिग्नेश्वर मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है, मंदिर आप लोग भी आए घूमे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो इस धाम पे आए हुए थे, सारे लोग पूजा किए अंदर जाकर। ये हमारे रिया सिंह है, गोल्ड मेडलिस्ट, देख सकते हैं इसे, मुंह दिखाओ, इतना मुंह दिखाओ, हाँ गोल्ड मेडलिस्ट रिया सिंह, आप लोग देख रही है, देखते रहिए। मैं बाहर का सारा दृश्य दिखा रहा हूँ, मंदिर के टेंपल का जो बाहरी हिस्सा है मैं उस हिस्से से रूबरू करा रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। ये टेंपल है जो मेन टेंपल है, इसके अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, लेकिन मैं बाहर से आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। आप लोग देखते रहिए, ये मंदिर का बाहरी हिस्सा है, उसका द्वार जिसको आंगन बोलते हैं, और मेन जो टेंपल है वो ये रहा, इसमें फ़ोन अलाउ नहीं है लेकर जाना। या पंचवटी के संलग्न उद्यान में प्रवेश निश्चित है, याद रखिए इस नियमावली अनुसरण कर। अब हम लोग मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, कोलकाता टू बिहार। ये मंदिर का बाहरी हिस्सा है, मंदिर ये मंदिर का एक्सिस पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है, एक्सिस पॉइंट है मंदिर का, एक्सिस और एंट्री दोनों ही पॉइंट है।